सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और है 24 मार्च। डेट में अक्सर भूल जाता कोई नहीं। तो आज है संडे 24 मार्च। तो अभी सुबह के बज रहे तकरीबन 8 बज रहे और आज का वेदर काफ़ी सही है, देख सकते हो वेदर। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ मार्केट में क्योंकि आज मुझे जाना है उमरंगशो। तो चलिए उमरंगशो चलते हैं, एक्चुअली उमरंगशो पानी मोड़ जाना है, तो उमरंगशो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पानी मूड कैसा है। तो लेट्स गो। चलिए मैं संडे को सवेरे सुबह सुबह हापुड़ मार्केट कैसा होता है वो दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोड्स एंड ऑल वो दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हो पूरा सुनसान सा है, सुनसान भी नहीं है। और वो हो गया हमारा वीर समुद्र फंगला स्टैचू और देख सकते हो ये ऐसा होता है संडे सवेरे का। आज का मौसम देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, तो मज़ा आएगा आज मसूद जाने के लिए। अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे क्योंकि अभी उन लोगों को लेके जाना है, वो लोग नाश्ता कर रहे और मैं बाहर हूँ क्योंकि मेरा रोज़ा चल रहा है, रमज़ान महीना चल रहा है। तो रोज़ा हूँ तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उनका होने के बाद हम निकलते हैं आपसे ही बातें करते हैं। तो अभी हम आफ़ुंग से निकल गए थे और जा रहे हैं उमरंगशो की ओर। तो उसके पहले हम पहुंचेंगे गुंजुंग और पहले स्टॉप लेंगे हम गुंजुंग पे। गुंजुंग गैलरी बहुत अच्छा व्यू है जो कि मैंने पहले आपको कभी किसी वीडियो में दिखाया नहीं, तो आपको भी दिखाएंगे, वो लोग को भी दिखाएंगे, फिर वहां से हम लोग निकलेंगे उमरंगशो। तो लेट्स गो। तो हम लोग हाफलोंग से निकल गए थे तो अभी ये रास्ते में हैं। तो अभी गुंजुंग व्यू पॉइंट पर पहुँचे थे तो रुके थे, सोचा थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेते हैं, वो लोग को देखना था तो वो लोग वो कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे उमरंगशो के लिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाएंगे। और शायद से मैंने आपको यहाँ का नज़ारा दिखाया है, देख सकते हो बहुत बढ़िया लगता है, आ सकते हो, बहुत सही प्लेस है आने के लिए। कोई नहीं, अभी ये लोग का एक दो फोटो मैं शूट करके देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं उमरंगशो पानी मोड़ चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो वहाँ फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो अभी हम दिहांगी पहुंचने वाले हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत सही है, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था वीडियो शूट करते हुए, तो इसलिए मुझे वो सब्र करना पड़ रहा। तो कोई नहीं, अभी दिहांगी के नीचे ब्रिज पे पहुंचते हैं, आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और मज़ा लेते हैं। तो अभी हम दिहांगी आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसा है। चलेंगे उमरंगशो। तो फाइनली वी आर एट उमरंगशो। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे पानी मोड़ के लिए। तो वो लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, ये अपना गाड़ी। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे पानी मोड़ के लिए। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, इट्स ऑलरेडी 12:10 हो गए। कोई नहीं, हम बहुत धीमे धीमे आए। तो यहाँ से निकलते हैं फिर पानी मोड़ चलते हैं। और पानी मोड़ यहाँ से अभी तकरीबन 30-35 किलोमीटर रह गया, कोई नहीं। और ये हो गया है उमरंगशो मार्केट का नज़ारा, मैं छोटा भी नहीं ना बड़ा भी नहीं, बट ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे को, कोई नहीं। तो वो लोग को आने देते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से
और तकरीबन अभी भी तकरीबन 40 मिनट लग जाएगा। कोई नहीं, वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने का वहाँ का नज़ारा जो है वो बहुत बढ़िया है, तो वो देख के थकान जितना है सब चला जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, इसलिए मैं पहले आ चुका हूँ बट आप लोगों के साथ नहीं आया था, तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड। चलिए यहाँ से निकल। अभी हम पानीपुर आ चुके हैं, तो गाड़ी ये रहा, तो अभी हम जाएंगे ऊपर वहाँ साइड और देखेंगे। लेट्स गो, चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये है पानीपुर वाटरफॉल है, वो सामने वाटरफॉल है, मैं आप लोग को सामने जाके दिखाता हूँ वाटरफॉल। लेट्स गो, ये पानी में देख सकते हो वहाँ बोटिंग हो रहा है और ये लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो हम नीचे जाने से रहे। और आज वैसे काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब आज बहुत सारा लोग आए हुए हैं, घूम निकला संडे है तो इसीलिए कोई नहीं, हम वाटरफॉल देखते फिर चले जाते अपनी गाड़ी में। वो रहा वाटरफॉल, बट हम इसके नज़दीक नहीं जा सकते, ऐसे देखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो ये इतना साफ पानी है कि पूरा पानी ब्लू है, पूरा ब्लू है। चलिए बोटिंग करते हैं अगर होता है तो। लेट्स गो नीचे, चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं बोट बोटिंग का होता है तो करते हैं, वरना छोड़ देते हैं, इसके पहले चलते हैं। तो फाइनली अभी हम नीचे पानी के सामने आ चुके हैं और ये देख सकते हो कि कितना साफ है पानी। वहाँ बोटिंग चल रही है, हम पूछे थे तो बहुत महंगा बताया, तो हम बोटिंग करने गए नहीं। पानी देखते हैं कितना साफ पानी है, पूरा नीचे दिखाई पड़ रहा है और बहुत ठंडा भी है। सही है, काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको ड्रोन शॉट लेके दिखाता, बट अफसोस की बात है ड्रोन नहीं है। कोई नहीं, यहाँ वहाँ टहलते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं इस पानी से, ठंडे पानी से, फिर हम अपनी गाड़ी में जाके रेस्ट करेंगे, इन लोगों को फ़ोटो क्लिक करने देंगे, फेस वॉश। तो यहाँ से 15 किलोमीटर रह गए लंका के लिए, तो लंका पहुँच जाती है अभी। ये कार्बियांगलन डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये है बहुत सारा बंदर है। देखो
ಇವಾಗ ತುಳಿಬಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ अभी हम का क्रॉस करके जा रहे हैं, तो अभी एलिफेंट कॉरिडोर में पहुंचने वाले हैं। फिर मैं वीडियो नहीं बना रहा, गाड़ी चला रहा तो वीडियो नहीं बना रहा, कोई नहीं, चलिए चलते हैं। लामडिंग में जाके बात करते हैं आपसे। क्रॉस करके एलिफेंट कॉरिडोर में पहुंच चुके हैं। अभी हम यहीं से हाफलोंग जा रहे हैं, तो वो रखा हुआ है अपना गाड़ी। तो अभी कुछ देर के लिए ब्रेक लिए थे, और एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं वीडियो तो ले रहा हूँ बट कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ से अभी सीधा हाफलोंग को जाएंगे, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, साढ़े तीन टाइम भी हो जाएगा, तो रास्ते में इतना हो जाएगा, कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, माइबंग आ चुके हैं, और अभी फिलहाल हम माइबंग वन स्टोन हाउस के वहाँ आए हुए थे। तो देख सकते हो रहा सोरिया रहा पार्क, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। वैसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में, थोड़ा बहुत सब कुछ दिखा रहा हूँ जहाँ आया हूँ। तो अभी यहाँ से निकल जाएंगे, ये लोग को तो वन स्टोन हाउस दिखना था, तो यह हो रहा वन स्टोन, आप लोग को भी नहीं दिखाया मैंने, ये रहा। बहुत सही जगह है घूमने के लिए, और यहाँ मछली भी है, यहाँ मछली भी है, टोर्टोइस भी है, मछली देख सकते हो, बट वो है नहीं फिलहाल मछली देखने के लिए, जो मछली का खाना है वो ख़त्म हो गया बोले, तो इसीलिए अभी हम लोग नहीं देख सकते। यहाँ एक दो फोटोज़ क्लिक करेंगे फिर निकल जाएंगे, मेरा इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, मैंने देखा है। क्या कर सकते हैं, अभी काम भी करना है, सब कुछ करना है, मैनेज करते हैं कुछ। देख सकते हो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, एक्चुअली अभी कम दिखाई कम दे रही क्योंकि धूप चला गया और मुड़ी भी नहीं है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के। तो अभी हम माइबंग पार्क से निकल गए हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाटर क्रॉसिंग है, तो यहाँ का रोड सही नहीं है, तो हमें नदी से गुजरना पड़ता है, तो हमें यह वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हमको हाईवे मिलेगा, तो इसको क्रॉस करते हैं। वैसे ये बारिश के वक्त यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते, और अभी भी रास्ता उतना अच्छा नहीं है, सही से नहीं चला तो लग जाता है, तो धीमे धीमे क्रॉस कर लेते हैं इसको, फिर चलते हैं माइबंग को, लेट्स गो। तो अभी हम माइबंग टनल पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ एक दो फोटो क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे हाफलोंग को, हाफलोंग जाएंगे, वीडियो को एंड करेंगे, इनको छोड़ेंगे वीडियो को एंड कर देंगे। तो अभी यहाँ एक दो फोटो क्लिक करते हैं, आप लोगों को कभी दिखाया नहीं ये टनल, कोई नहीं, ये माइबंग पे स्थित है, अपना गाड़ी वो पीछे रखा हुआ है, एक दो फोटो क्लिक करते फिर यहाँ से निकलते हैं।